प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही नगर निकाय में भी सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। तखतपुर नगर पालिका में भी सत्ता परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। तखतपुर में भाजपा पार्षद दल द्वारा लाया अविश्वास प्रस्ताव 5 के मुकाबले 10 वोट से पारित हो गया है। तखतपुर में 4 साल से कांग्रेस की अध्यक्ष थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पार्षदों के दल बदल के कारण समीकरण परिवर्तित हो गया और भाजपा पार्षद दल द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए जो है पीठासीन मेरे को नियुक्त किया गया था और जो आज जो मतदान हुआ इसकी जानकारी जो है कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई उनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा। देखिए, ये जो कुशासन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बेईमान की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उसका आज अंत हुआ है। हमने उनके 4 साल के कुशासन को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया था और पूरी एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से मतदान किया और सफल भी हुए। आज का दिन तखतपुर के इतिहास में अमर रहेगा। हमने 4 साल तक विपक्षी भूमिका निभाई, उनके सारे भ्रष्टाचार की पोल खोली, लेकिन उन्होंने सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग कर तखतपुर की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। आज तखतपुर की जनता ने उस सरकार को, कांग्रेस की निकम्मी सरकार को, नगर की निकम्मी कांग्रेस की सरकार को सबक सिखाया है। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण।